अब समाचार विस्तार से खबर धार से है, जहां पर हमारे संवाददाता अमरीश शर्मा ने दी है। वहीं क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते हैं। धर्मपुरी धार ग्राम टौलई के समीप आबकारी विभाग की टीम ने अशेष कार से अवैध शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत लगभग 4 लाख, एक आरोपी गिरफ्तार और एक फरार। वहीं पूरी खबर बताते हैं आपको, नर्मदा पट्टी पर शराब नहीं बिकने के सीएम शिवराज के दावों की पोल खोलता और एकता यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय के आरोप के नर्मदा के किनारे पर शराब बिकने के दावों को पुख्ता करता अखबारी विभाग द्वारा आज की गई कार्रवाई, जिसमें धार जिले के धर्मपुरी तहसील के ग्राम टौलाई के समीप आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं आपको बताते चलें, परिवहन करते हुए देसी शराब की 40 पेटियों के साथ एक आरोपी प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी संतोष मौके से फरार हो गया है। आबकारी के अनुसार अशेष कार अवैध शराब भरकर मानपुर से मनावर की ओर जा रही थी। वहीं पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत गाड़ी सहित करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पूरी जानकारी देते आर्यस राय, जिला सहायक आबकारी अधिकारी।